बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एडवाइज़र कुकिंग आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक लेके आया है, गर्मियों के लिए बेस्ट ड्रिंक। चलिए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर देखिए हमने ले लिए हैं खीरे, अच्छे से धो लिए हैं, और फ्रेश कोकम्बर आपने लेना है। पील करके इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, यानी राउंड शेप में, जिस तरह नॉर्मली खाने के लिए कट करते हैं। और यहाँ पर हमने दो खीरे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। देखिए ब्लेंडर ले लिया है, ब्लेंडर में डाल देते हैं खीरे। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे नमक, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे काला नमक, और तकरीबन 3 क्यूब्स इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, जो हमने लेमन स्टोर करके रख लिया था। लेमन का जो रस होता है वो हम इसके अंदर डालेंगे 3 क्यूब्स, और 1 मग इसके अंदर डालेंगे पानी, तकरीबन 1.5 ग्लास बन जाता है। अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप चीनी। आप चाहें तो रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और पाउडर फॉर्म में भी शुगर जो है वो कर सकते हैं यूज़। अगेन से इसे ब्लेंड कर लेंगे, और अब हम इसे डाल लेते हैं ग्लास के अंदर। तो बहुत ही स्मूथ जूस तैयार हो गया है, कोकम्बर जूस। इंजॉय कीजिए गर्मी में, खट्टा मीठा सा, क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन भी डाला है और शुगर भी डाली है। कैसी लगी है आपको ये रेसिपी, लाइक एंड शेयर आपने ज़रूर करना है, और आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। खीरे के साथ हम इसे गार्निश कर लेते हैं। इसकी लुक बहुत प्यारी है, बहुत यमी है, और ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार सा है। हम इसी तरह से यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम इसी तरह से यूनिक यूनिक सी रेसिपी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।